नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। वेबसाइट बनाकर खुद की ऑनलाइन लॉटरी चलाने वाले 9 आरोपियों को लुधियाना पुलिस ने किया काबू। मां बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में प्राचीन शिव मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय 11 कुंडीय महायज्ञ को दिया गया विश्राम। 7 अप्रैल को निकलने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर ढल मोहल्ला से निकाली गई चौथी प्रभात फेरी, असंख्य श्री राम भक्तों ने की पुष्प वर्षा। भारत धर्म प्रचारक मंडल की ओर से लुधियाना में आयोजित 56वें विशाल धर्म सम्मेलन का हुआ समापन। और अब हलचल विस्तार से। वेबसाइट बनाकर खुद की ऑनलाइन लॉटरी चलाने वाले 9 आरोपियों को लुधियाना पुलिस ने काबू किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीसीपी लुधियाना हर्ष बांसल ने बताया कि ये आरोपी इंटरनेट के जरिए सत्यम वेल लॉटरी नाम की वेबसाइट चला रहे थे और ये आरोपी पूरे पंजाब में अपना नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,000 रुपए की नकदी, 4 कंप्यूटर, लैपटॉप, 36 मोबाइल फोन, 12 मोबाइल फोन चार्जर बोर्ड, 2 डिजिटल वॉल क्लॉक, LCD सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन 3 साल से पंजाब के अलग अलग शहरों के विच चल रहा है। तो इसका जो फोकल पॉइंट है वो लुधियाना शहर से। ये फ्रेंड्स कलोनी लुधियाना जो सलीम डारवी पुलिस स्टेशन के अंडर आती है, उत्थे नरेंद्रजीत सिंह चीमा इन्हे घर के ये सारा नेटवर्क चलता सी। तो इन्होंने एक पूरा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम जो टेलीफोन और एक वैबसाइट पर बेस सी ये करके बनाया हुआ सी। इन्होंने रेड करके मौके पर 9 बंदे फड़े। ज़्यादातर जो बंदे हैं वो 25 से 30 साल के बेचारे हैं। तो एक एक बंदा जिसकी उम्र 32 साल है। इन्हों के पासों तकरीबन 4,000 रुपया कैश, 4 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, बहुत सारे मोबाइल फोन और एक बड़ा बोर्ड जिस दे विच ये सारे मोबाइल फोन चार्ज होंदे सी, कुछ डायरियाँ, कुछ पेन ये बरामद हुए। ये है जी लुधियाना, मलेरकोटला, फगवाड़ा, जलंधर, होशियारपुर, ये शहर के दुकानदार शामिल हैं। तकरीबन 45 दुकानदार ये दसदे कि इन्हां दे नेटवर्क दे विच शामिल हैं। सर जिहड़े दुकानदार की उन्होंने दुकान भी करोगे? हाँ जी बिल्कुल, जो जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर से 7 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही श्री रामनवमी शोभा यात्रा के संदर्भ में शहरवासियों और राम भक्तों को हार्दिक निमंत्रण देने के लिए प्रभात फेरियों की श्रृंखला में चौथी प्रभात फेरी श्री राम मंदिर ढल मोहल्ला से निकाली गई। इस प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री देवीतला मंदिर के मेंबर सुभाष अग्रवाल व श्री राम मंदिर के प्रधान विवेकपुरी ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। प्रभात फेरी की शुरुआत में सजी पालकी में श्री राम दरबार के सम्मुख नतमस्तक होते हुए श्री राम भक्त अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहे थे। बैंड बाजे तथा ढोल सहित गाते हुए श्री राम नाम की ध्वनि लगाते हुए क्षेत्रवासियों को शोभा यात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। सड़क के दोनों तरफ खड़े श्री राम भक्तों ने प्रभात फेरी का पुष्प वर्षा कर व लंगर लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर श्री देवीतला मंदिर की संकीर्तन मंडली की रीता शर्मा, रानी सरीन, बीना शर्मा, सीमा गल्होत्रा, नीरू अरोड़ा, बिकू कटोच, किरण चावला, बीना खुराना, सुषमा डानग, श्यामलता शर्मा, भारती पूजा, चारू डोगरा, कविता वर्मा, जूही वर्मा ने प्रभु श्री राम के भजनों का गुणगान कर इस प्रभात फेरी में शामिल भक्तों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, महासचिव राजेश विज, उप प्रधान डॉक्टर राजेश चोपड़ा, CAVM अरोड़ा, पूर्व पार्षद गंगा देवी, विनोद कुमार बाबा, सुभाष भी, सतीश धीर, सुभाष अग्रवाल, मदनलाल गुप्ता, विनय जलंधरी, नरेश शर्मा, सोमदत्त कालिया, रमेश नागर, मोहित अरोड़ा, अनुज सचदेवा, विक्रमानंद बिक्की, नितिन धीर, वरुण धीर, राकेश शर्मा, विजय कौड़ा, विजय चौहान, रामनाथ तुल्ली, रमेश शौंकी, सुपरमणि, किरण चावला, दीपक चावला, सुनील सहदेव, टोनी मरवाहा, भूपेंद्र कालिया, रिक्की राम, रविंद्र मुन्ना, राजेश राजा, कुलवंत शर्मा, राहुल ग्रोवर, सुनील अरोड़ा, श्री राम मंदिर के प्रधान विवेकपुरी विक्की, चेयरमैन नरेश शर्मा, अजय भंडार,
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਸੁਖੀਜਾ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਤਲਵਾੜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਮੈਨੀ, ਰਾਜੀਵ ਦੁੱਗਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਢੱਲਾ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਜਿਸਮੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਜਤਿਨ, ਰੰਜਨਾ, ਨੇਹਾ, ਸਨੀ, ਸੁਦੇਸ਼, ਕਮਲੇਸ਼, ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕੱਕੜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੱਕੜ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੱਕੜ, ਵਰੁਣ ਕੱਕੜ, ਸਾਹਿਲ ਕੱਕੜ, ਕੇਸ਼ਵ, ਰੋਹਨ, ਮਧੂ, ਰਘੂ, ਗੁਨਗੁਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹੰਤ, ਗੌਰਵ, ਨੀਰਜ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਧੂ, ਸੁਨੀਤਾ, ਕਾਰਤਿਕ, ਪਾਰਸ, ਲਵਲੀ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਵੇਕਪੁਰੀ ਵਿੱਕੀ, ਅਨੁਪਮਾ, ਸ਼ਰੁਤੀ, ਦੀਪਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਨਿਧੀ ਵਡੇਰਾ, ਓਂਕਾਰ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਦੇਵਰਾਜ ਨਈਅਰ, ਸੰਜੇ ਨਈਅਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਗੁੰਜਾਲ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਸ਼, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਅੰਕਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਤੀਸ਼ ਧੀਰ, ਨਿਤਿਨ ਧੀਰ, ਵਰੁਣ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ, ਕਾਲਾ, ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ, ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਸਾਹਿਲ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਰੋਵਰ, ਡਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ, ਨੰਦਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਮਾਨਵ ਚੋਪੜਾ, ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ, ਹਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੁਰਗਾ ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 108 ਸਵਾਮੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਸਤਪਾਲ ਬਟਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਬਟਲਾ, ਮੋਹਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ, ਪੁਲਕਿਤ, ਕੋਮਲ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਰਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿੱਕੀ ਆਨੰਦ, ਯੂਵੀ ਆਨੰਦ, ਬੌਬੀ ਆਨੰਦ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਮਨਾਥ ਟੁੱਲੀ, ਵਿੱਕੀ, ਰਿੱਕੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਸਵਾਤੀ, ਸੁਨੀਤਾ, ਵਾਸੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨਮੋਲ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਹਰਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕਰ, ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਤੋਂ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ।